Hey guys, welcome back to my channel Foodology by Shweta. Today we are going to make Mumbai's famous street food Pav Bhaji, which is also highly popular as a street food all over the India. So without further delay, let's start. Cauliflower, carrot, beetroot, capsicum, ginger, garlic, green chilies and potatoes को roughly chop कर लें। सारे vegetable को एक bowl में डालें और मटर भी डाल दें। कुकर गर्म करें, उसमें बटर और ऑयल डालें और सारे कट वेजिटेबल्स को उसके अंदर डाल दें। सॉल्ट, पाव भाजी मसाला डालें और अच्छी तरह मिला लें। 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर उसे कुक करें। पानी डालें और लिड को बंद कर दें। 3 विसल आने तक उसे कुक करें। प्रेशर कुकर को ओपन करें और वेजिटेबल को थोड़ा मैश कर लें। पानी को थोड़ा ड्राई कर लें। जब पानी ड्राई हो जाए तो उसे मैश कर लें। एक पैन में बटर और ऑयल डालें। प्याज डालें और थोड़ा उसे फ्राई कर लें। जिंजर गार्लिक पेस्ट, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, पाव भाजी मसाला और सॉल्ट डालें और थोड़ा मिक्स कर लें। टमाटर डालें और उसे अच्छी तरह पका लें। थोड़ा कैप्सिकम डालें और 5-6 मिनट के लिए पका लें। अब मैश वेजिटेबल को इसके अंदर डाल दें। लेमन जूस ऐड करें और कुछ देर के लिए उसे कुक करें। थोड़ा पानी डालें और अच्छी तरह मिला लें। अब कोरिएंडर, बटर और सॉल्ट डालें और थोड़ा मिक्स कर लें। थोड़ी देर कुक करें। भाजी अब रेडी हो गया है। एक तवे पे बटर और ऑयल डालें, पाव भाजी मसाला, कोरिएंडर लीव्स और भाजी डालें। पाव डालें और उसे अच्छी तरह सेक लें। ऊपर बटर लगाएं और फिर उसे फ्लिप कर लें। पाव भाजी अब रेडी हो गया है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें।